नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला फिरोजाबाद के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आगामी कार्यक्रम देश के 75वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला कार्यालय गौशाला पर किया गया, जिसमें जिले के 400 गांव में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर गांव-गांव तिरंगा फहराने का कार्यक्रम इस वर्ष विद्यार्थी परिषद आयोजित करेगा। हर गांव में एक विद्यार्थी कार्यकर्ता उपस्थित रहेगा और उसकी देखरेख में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही 15 अगस्त के पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाता आया है। इस वर्ष बहुत ही बड़े स्तर पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विभाग प्रमुख तेजवंत जी ने बताया कि देश की आजादी में देश के वीर सपूतों का महान योगदान था। यदि वह अपने प्राणों की आहुति न देते तो शायद भारत आजाद नहीं होता। प्रांत छात्रा प्रमुख अग्नि यादव ने बताया कि 1947 से 2021 तक आजादी के 75वें वर्ष पर आज भारत एक नई आशा की तरफ बढ़ रहा है। मैं तेजवंत विभाग प्रमुख फिरोजाबाद। प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत ही व्यापक स्तर पर गांव-गांव में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में जाकर वहां पर तिरंगा फहराने का कार्य करेंगे तथा लोगों के बीच में जाकर इस संदेश देंगे कि हमारा देश जो है आज 75 वर्ष पूरा कर रहा है स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम है जिसमें सब लोग उसमें शामिल होंगे और विद्यार्थी परिषद जो युवक इसमें नवयुवक ही कार्य करते हैं तो नवयुवकों ने सोचा है कि इस वर्ष क्यों ना 75 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं तो क्यों ना हम हर गांव में जाकर अपने संदेश को पहुंचाएं कि हमारे नवयुवकों ने जो बलिदान दिया था देश के लिए वो हमारा आज 75 वर्ष पूरा कर रहा है, उसको बड़ी भव्यता के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रजत जैन, विभाग संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज जो मीटिंग रखी गई है किस उपलक्ष्य में रखी गई है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिरोजाबाद के द्वारा जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें आगामी क्रम देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद जिले के 400 गांव में तिरंगा झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें 9 ब्लॉक, प्रत्येक तहसील एवं प्रत्येक गांव में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रवास लगेगा। वहां पर जाकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ध्वजारोहण का कार्यक्रम, तिरंगा यात्राएं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित करेंगे।